अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड सर्कल द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा उसको हमने एंड सर्कल करना है, यानी कि उसके गिर्द दायरा लगाना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 1/3 + 1/3। तो इसका जो ऑप्शन है, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो इनको ऐड करके देखते हैं कौन सा आंसर आता है। (1/3 + 1/3) तो इसका एलसीएम आना है 3। 1 + 1 तो ये आ गया 2/3, तो ये ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है 2/3। अब पार्ट 2 है 7/9 - 4/9, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 7/9 - 4/9, इसका भी एलसीएम आ गया 9 और 7 - 4। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 3/9, तो ये ऑप्शन आ गया 3/9, ये आ गया सी ऑप्शन। अब है पार्ट नंबर 3, 2/3 × 5/7, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2/3 × 5/7, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 3 को 7 से। 2 5s are 10, 3 7s are 21, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये कौन सा आंसर है, ये बोला है सी 10/21, तो इसको हम लगा देंगे टिक का निशान। अब है पार्ट नंबर 4, 5/9 / 1/9, तो दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5/9 / 1/9, 5/9 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये सेकंड जो फ्रैक्शन होती है इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 9/1 आ जाएगा। ये डिवीजन है दोनों फ्रैक्शंस की, तो ये 3.8 में की हुई है, तो आपने 3.8 को कंप्लीट देख लेना है ताकि आपको समझ आ सके। 5 × 9, 9 × 1, तो 9 9 से कैंसिल हो गया। 5/1, तो ये आ गया 5 को, 5 के डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को नहीं लिखना, डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखते, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया आंसर इसका बी ऑप्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। इसके 16 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 7/8 + 5/8, इसको हमने ऐड करना है दो फ्रैक्शंस का। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 है 7/8 + 5/8, तो इनका जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो इसको हम 8 लिख लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो 7 + 5 आ गया, 7 + 5 ये आ गया 12/8, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पे। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 3/2, तो 3/2 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 3/2, 2 1s are 2, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन ये होता है, ये 1 लिख ली हमने। अब रिमाइंडर 1 है और डिवाइजर 2, तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया पार्ट 1 का आंसर।
अब पार्ट टू है 1/3 प्लस 2 होल 1/3। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वैसे ही आ गया 1/3 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6, 6 को 1 में ऐड किया 7 आ गया 7/3। तो इसका एलसीएम 3 आ गया क्योंकि ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर में, तो आ गया 3। 1 प्लस 7 इसको वैसे ही लिख लेना होता है, 1 प्लस 7 8 8/3। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 8/3। 3 2 6, 8 - 6 ये आ गया 2। तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या 2, फिर रिमाइंडर 2, फिर डिवाइजर 3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 होल 2/3। अब पार्ट नंबर 3 है 1 होल 7/9 प्लस 1 होल 1/9। तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 में 7 ऐड किया तो ये आ गया 16/9 प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 10/9। तो अब ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, इनको ऐड कर देंगे 9 9, दोनों का ये भी 9 है ये भी 9 है, इसका एलसीएम आ गया 9। तो 16 + 10 आ गया, 16 + 10 ये आ गया 26/9। तो 26 को 9 पे डिवाइड कर देंगे, 9 2 = 18, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर कैरी लेंगे 16 बनेगा, 16 - 8 8 आ गया। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन 2, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब पार्ट नंबर 4 7/9 - 5/9, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है तो 9 लिखेंगे और 7 - 5 आ गया, 7 - 5 2 2/9। तो ये पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया 2/9। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं, पार्ट नंबर 5 है 1 होल 1/3 - 2/3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया ये आ गया 4 4/3 - 2/3। तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ गया एलसीएम 3, 4 - 2, तो 4 - 2 क्या आ गया 2 2/3। तो ये पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया 2/3। अब पार्ट नंबर 6 3 होल 1/12 - 1 होल 1/12, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36 36 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 37/12 माइनस, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 1 से 12 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ गया 13/13/12। तो इसका एलसीएम आ गया 12, तो 37 - 13, तो ये आ गया 37 में से 13 को माइनस करेंगे 7 - 3 4 3 - 1 2 24/12, तो ये कैंसिल हो सकता है तो ये कैंसिल हो गया 12 1 12 12 2 24 2/1, तो 1 को डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते तो ये आ गया 2। पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया 2। अब पार्ट नंबर 7 है 1/4 + 3/4 + 5/4, तो एलसीएम सेम ही है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तीनों में 4 4 4, तो इसका एलसीएम आ गया 4, 1 + 3 + 5, तो 1/3 4 4/5
9 over 4, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। 9 over 4 को हम 9 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 2 ज़ार 8, तो जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, तो इसको लिखेंगे 2 होल 1 over 4। ये क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर है, तो ये आ गया 2 होल 1 over 4। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, अब पार्ट नंबर 8, 5 over 7 plus 1 over 7 plus 3 over 7, तो इसका एलसीएम आ गया 7, 5 plus 1 plus 3, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 over 7। 9 over 7 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ऊपर बड़ी वैल्यू और नीचे छोटी वैल्यू है, तो जब ऊपर बड़ी और नीचे छोटी हो तो इसको हम डिवाइड करना है। तो ये होती इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 9 divide 7, 7 ones are 7, तो ये आ गया 2 रिमाइंडर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 क्वेश्चन ये वाला 2 remainder और 7 डिवाइजर, तो ये आ गया 1 whole 2 over 7, पार्ट नंबर 8 का आंसर। अब पार्ट नंबर 9, 2 over 3 plus 1 over 3 plus 1 whole 1 over 3, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 over 3 plus 1 over 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 में 1 ऐड किया, तो ये आ गया 4 over 3, तो इसका एलसीएम आ गया 3 2 plus 1 plus 4 2 plus 1 3 3 plus 4 7 7 over 3, तो ऊपर बड़ी वैल्यू और नीचे छोटी वैल्यू है, तो इसको डिवाइड करेंगे 7 over 3 3 2 ज़ार 6, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 2 होल 1 over 3, इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 10, 1 over 3 multiply 2 whole 1 over 3, तो ये आ गया 1 over 3 multiply, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 में 1 ऐड किया, तो ये आ गया 7 over 3, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 3 से, तो ये आ गया 7 ones are 7 3 3s are 9, तो ये आ गया 7 over 9, पार्ट नंबर 10 का आंसर। पार्ट नंबर 11, 2 whole 3 over 4 multiply 1 over 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, 8 में 3 ऐड किया, तो ये आ गया 11 over 4 multiply 1 over 4, तो आप 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 4 से, तो ये आ गया 11 ones are 11 4 4s are 16, तो ये आ गया 11 over 16, तो ये पार्ट नंबर 11 का आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 12 करते हैं। पार्ट नंबर 12 है 2 over 7 plus 3 over 7 plus 4 over 7, तो पहले इसमें हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 over 7 plus 3 over 7 plus 4 over 7 है ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करेंगे, 7 इसका एलसीएम आ गया 3 plus 4, 2 over 7 plus 3 plus 4 7 आ गया 7 over 7, तो ये भी डिनोमिनेटर सेम है 7 7, तो इसका भी एलसीएम आ गया 7, तो ये आ गया 2 plus 7 9 आ गया 9 over 7, तो 9 को 7 पे डिवाइड कर देंगे, 7 ones are 7, तो ये आ गया 2, तो इसको लिखेंगे 1 whole 2 over 7, तो ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 12 का 1 whole 2 over 7। ये होता है क्वेश्चन, ये होता है रिमाइंडर, ये डिवाइजर, ये क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर। पार्ट नंबर 13 है 2 over 3 multiply 2 over 3 multiply 1 over 3, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 2 over 3 multiply 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से,
तो ये अगर 2/3 मल्टीप्लाई 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 3 को 3 से तो ये अगर 9। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 9 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27। तो ये आंसर आ गया 4/27 पार्ट नंबर 13 का। पार्ट नंबर 14 है 3 whole 1/2 / 1/4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 में 1 ऐड किया ये आ गया 7, 7/2 / 1/4। तो जब दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं और डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देते हैं। 7/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देना है और सेकंड फ्रैक्शन का इनवर्स लेना है, यानी कि रेसिप्रोकल करना है इसका। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/1। तो अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 1 से, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 7 multiply 2, 1 multiply 1, 7 2s are 14, 1 1s are 1। तो डिनोमिनेटर में 1 को नहीं हम लिखते, तो ये आ गया 14 आंसर इसका, पार्ट नंबर 14 का। अब पार्ट नंबर 15 करते हैं, 4 whole 1/5 / 1 whole 1/5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 20 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 21/5। डिवाइड 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 6/5। जब दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हों, जब इनको डिवाइड करना है तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देना है और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। तो ये सेकंड फ्रैक्शन है और ये फर्स्ट फ्रैक्शन है। फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे ही लिख लेंगे, 21/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे और ये आएगा 5/6, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 6 से, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 7 1s are 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 2 से तो ये आ गया 7/2। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू और नीचे छोटी वैल्यू है। तो लिखेंगे 7/2, 2 3s are 6, तो ये आ गया 1। तो लिखेंगे कोशंट, रिमाइंडर और फिर डिवाइजर, 3 whole 1/2। तो ये पार्ट नंबर 15 का आंसर आ गया, 3 whole 1/2। अब पार्ट नंबर 16 करेंगे, 7/20 - 7/30। तो इसका डिनोमिनेटर 20 और इसका 30 है, इसके डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है, इसके और इसके अगर एक जैसे हो जाएंगे तो इसको फिर सॉल्व करना इजी होगा। तो इसका डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा वही डिनोमिनेटर को हम बनाएंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं 20 और 30 का, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10 और ये आ गया 15। अब 5 पे डिवाइड कर सकते, 5 2s are 10, 5 3s are 15, फिर 2 पे 2 1s are 2, 3 ऐसे आ गया, 3 पे डिवाइड करेंगे 3 1s are 3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60, इसका एलसीएम आ गया। तो हमने 20 को भी 60 बनाना और 30 को भी 60, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 को और 20 को, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 को भी 2 से, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60, 7 3s are 21, 20 3s are
60 माइनस 7 टू जार 14 30 टू जार 60 तो 60 इसका एलसीएम आ गया। तो ये अगर 21 माइनस 14 तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 21 माइनस 14 7 आ गया ओवर 60 आ गया। तो ये आ गया पार्ट नंबर 16 का आंसर। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।